Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. Hello everyone, so kaise aap sab log? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एक नया टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी सरफेस एंड सैडल पॉइंट. ठीक है, तो जो ये टॉपिक है ये आपका गेट के सिलेबस में ऐड हुआ. ठीक है, तो नया टॉपिक है, इसको देखते हैं आज. ठीक, वैसे अगर आपके मतलब आसान है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, समझ में आ गया तो बहुत ही आसान टॉपिक है. ठीक है, नहीं तो फिर ऐसी ऐसी इमेजेज आके देख के हमें लगता है कि ये क्या चीज़ आ गई. ठीक है, बहुत आसान है, बस उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना. सबसे पहली बात, पोटेंशियल एनर्जी सरफेस क्या होता है. पोटेंशियल एनर्जी सरफेस हम क्या करते थे, ये आपका काइनेटिक्स का टॉपिक है. ठीक है, हम काइनेटिक्स में हम एनर्जी डायग्राम बनाते थे. ठीक है, किस किस के बीच में, जैसे हम एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स के बीच में कुछ जैसे इस टाइप के ग्राफ आते थे हमारे. ठीक है, आते थे ना. यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे रिएक्टेंट होते थे, ये आपके रिएक्टेंट, यहाँ प्रोडक्ट. ठीक है, ये आपके क्या होते थे, ट्रांजिशन स्टेट. इस टाइप के हमारे क्या आते थे, 2D में हम एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के इस टाइप के ग्राफ बनाते थे. अब इसी चीज को हमें 3D में ड्रॉ करना. ठीक है, इस चीज को हमें क्या करना है, 3D में ड्रॉ करना. और जब उसको 3D में ड्रॉ करते हैं, वो क्या होता है आपका, वो होता है पोटेंशियल एनर्जी सरफेस. ठीक है, तो ये आपका आता है पोटेंशियल एनर्जी सरफेस. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मान लेता हूं मैं, मेरे पास कोई भी एक जनरल रिएक्शन है, ए प्लस बी सी गिव्स ए बी प्लस सी. ठीक है, मैंने कोई एक जनरल रिएक्शन मान ली, ए प्लस बी सी गिव्स ए बी प्लस सी. जैसे एग्जांपल ले लो इसका, एग्जांपल इसको हो जाएगा जैसे डी प्लस एच टू इट विल गिव एच डी प्लस डी. ठीक है, इस टाइप से. तो इस टाइप से मैंने एक जनरल रिएक्शन मान ली. ठीक है, अब जो ये रिएक्शन है, जो रिएक्शन ये मैंने माननी है, इस रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए मेरे को 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है. ठीक है, इस रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए मेरे को 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है. ये आपके कुछ ऐसे है, ये ए था, यहाँ पे बी और सी के बीच में एक सिंगल बॉन्ड था, और यहाँ ए और बी के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना, प्लस आपका यहाँ सी हुआ. ये आपके कुछ इस टाइप से है. ठीक है, ये आपकी कुछ इस टाइप से है. अब इसको डिफाइन करने के लिए मेरे को 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है. कौन कौन से कोऑर्डिनेट की जरूरत है, कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है मेरे को. सबसे पहला है R1 क्या, R1 है आपका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस. अगर ये आपका है B, ये है C, तो इन दोनों की जो बॉन्ड लेंथ है, जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, वो है आपका R1. ठीक है, तो ये क्या आ गया, R1. सबसे पहला कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गया, R1. ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, सेकंड कोऑर्डिनेट है मेरा R2. अब R2 क्या है, R2 आपका जो A है, A BC को अटैक कर रहा है. ठीक है, A BC को अटैक कर रहा है, वो जिस भी डायरेक्शन से आ रहा है, अगर हम A और BC की जो BC का बॉन्ड है उसके बीच में अगर डिस्टेंस देखे, तो वो है हमारा R2, यानी कि ये हो गया हमारा R2. ठीक है, दो कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास. तीसरा कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तीसरा कोऑर्डिनेट है थीटा. अब थीटा कहाँ, थीटा जो ये ए ने एक वेक्टर बनाया बी सी के बॉन्ड के साथ. ठीक है, वो जो एंगल बना रहा है, वो एंगल आपका थीटा. तो हमें ये 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है. हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट आ गए, R1, R2 एंड थीटा. ठीक है, अब ये तो आ गए हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट. अब अगर यहाँ पे जो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपकी, अब जो ये ए है, ए इसको अटैक कर रहा है, ए तो कहीं से भी अटैक कर सकता है ना, तभी तो मैंने एंगल थीटा मानना, नहीं तो मैं एक पर्टिकुलर एंगल लेता. ठीक है, तो एंगल थीटा का मतलब क्या है, वो आपका यहाँ से भी अटैक कर सकता है. मान लो ये यहाँ से ऐसे आ गया, तब थीटा ये हो जाएगा, या वो यहाँ से भी अटैक कर सकता है, तब एंगल आपका ये थीटा ये आ जाएगा.
ठीक है, तो वो कहीं से भी अटैक कर सकता है, वो यहां से भी अटैक करने आ सकता है, ठीक है, वो यहां से भी अटैक करने आ सकता है, तो वो कहीं से भी अटैक करने आ सकता है ना, तो थीटा आपका कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है, ये बात समझ आई इतनी, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जहां से भी ये आपका अटैक करने आएगा, ठीक है, अलग 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 जगह से अटैक करने आ सकता है, तो हर बार उसका क्या होगा, जब वो अटैक करने आएगा वहां से अलग अलग एनर्जी, अलग अलग एनर्जी आएगी ना, कि अगर वो यहां से अटैक करने आया तो उसकी अलग एनर्जी है, वहां से अटैक करने आया उसकी अलग एनर्जी है, ठीक है, हर बार जहां से वो अटैक करने आएगा वहां से अलग अलग आपकी क्या होगी, अलग अलग अप्रोच होगी उसकी, ठीक है। अब यहां से अटैक करने आया तो यहां से एक अप्रोच है, यहां से अटैक करने आया तो यहां से एक अप्रोच है, हर अप्रोच के लिए अलग अलग एनर्जी होगी, ठीक है। लेकिन अगर इस रिएक्शन को एनर्जेटिकली फेवरेबल होना है, अगर इस रिएक्शन को एनर्जेटिकली फेवरेबल होना, एनर्जेटिकली फेवरेबल तो सबसे पहली बात ये होना चाहेगी, क्यों होना चाहेगी, क्योंकि हमारे यूनिवर्स में हर कोई सिस्टम अपनी कम एनर्जी को कम करना चाहता है ताकि वो स्टेबल हो सके, तो अगर ये रिएक्शन होगी तो ये भी एनर्जेटिकली फेवरेबल होगी ना, एनर्जेटिकली फेवरेबल होना चाहेगी ये भी, ताकि इसकी एनर्जी कम हो सके ये भी आपकी स्टेबल हो सके, तो ये रिएक्शन आपकी एनर्जेटिकली फेवरेबल होगी। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये रिएक्शन एनर्जेटिकली तब फेवरेबल होगी जब आपका थीटा या तो 0 डिग्री होगा और 180 डिग्री होगा, ठीक है, इन दो ही कंडीशन में ये आपकी रिएक्शन एनर्जेटिकली फेवरेबल होगी। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए अगर हम इसको यहां से ध्यान से देखें, अगर आपका जो ए है, अगर आपका ए यहां से आ रहा मान लो, ठीक है, अगर आपका ए यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, तो वो केवल उसकी रिपल्सन यहां से सी से लग रही है, ठीक है, अगर आपका ए यहां से आ रहा है तो वो केवल सी से रिपल्सन फेस कर रहा है, ठीक है, और ये एंगल आपका कौन सा हुआ, ये लाइन, और यहीं से ये लाइन, तो ये एंगल कौन सा हुआ, 0 डिग्री। अगर वो आपका यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, तो वो केवल बी से रिपल्सन फेस कर रहा है, ठीक है, अगर वो यहां से आ रहा है तो वो केवल बी से रिपल्सन फेस कर रहा है, बी से रिपल्सन फेस कर रहा है, एंगल कितना हुआ, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन आपकी क्या होती है, 180 डिग्री। इन दो कंडीशन में वो केवल एक ही एटम से रिपल्सन फेस कर रहा है, ठीक है, लेकिन अगर वो यहां से आ रहा है तो वो इससे भी रिपल्सन फेस कर रहा है और इससे भी रिपल्सन फेस कर रहा है, ठीक है, और रिपल्सन से क्या होता है, अट्रैक्शन से आपकी एनर्जी डिक्रीज होती है, लेकिन रिपल्सन से एनर्जी इंक्रीज होती है, ठीक है, तो वो अपनी एनर्जी को इंक्रीज करना नहीं चाहेगा, ठीक है, एनर्जी को इंक्रीज करना नहीं चाहेगा वो, या फिर अगर उसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो वो चाहेगा कि उसकी कम से कम अमाउंट में एनर्जी इंक्रीज हो, ठीक है, कम से कम अमाउंट में एनर्जी इंक्रीज हो मतलब कम से कम रिपल्सन लगे। अब कम से कम रिपल्सन तो या इस टाइम लग रही है या इस टाइम लग रही है, अगर वो और किसी भी एंगल से आ रहा है तो वो दो जगह से रिपल्सन फेस कर रहा है, ठीक है, यानी कि वहां उसको दो रिपल्सन लग रही है, यहां पे इसकी एक ही रिपल्सन लग रही है, तो इसलिए जब आपका थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा तब ये रिएक्शन आपकी क्या होगी, एनर्जेटिकली फेवरेबल होगी, ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब यहां पे हमने क्या किया, हमने थीटा को फिक्स कर दिया, हमने क्या किया, थीटा को फिक्स कर दिया, थीटा हमारा फिक्स हो गया ना, या तो हमारा थीटा 0 डिग्री होगा या हमारा थीटा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो अब जो आपकी, अब आपके पास कौन कौन से दो कोऑर्डिनेट बचे, अब आपके पास क्या बचे, दो ही कोऑर्डिनेट बचे, कौन कौन से दो, एक तो आपका बचा R1 और एक बचा R2, ठीक है, तो आप बोल सकते हो यहां पे कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो R1 और R2, ठीक है, इन दोनों का फंक्शन है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी अब आपकी R1 और R2 इन दोनों का फंक्शन है, ठीक है, यानी कि अगर हम क्या कर सकते हैं, थीटा को फिक्स करके अब पोटेंशियल एनर्जी को R1 और R2 की टर्म में प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को अब हम क्या कर सकते हैं, R1 और R2, हमारे पास दो रिएक्शन कोऑर्डिनेट आ गए, इन दोनों के टर्म में हम प्लॉट कर सकते हैं, और जो वो हमारा प्लॉट आएगा वो हमारा क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी सरफेस,
ठीक है, इतनी बात समझ आई पोटेंशियल एनर्जी सरफेस क्या आएगा। ठीक है, R1 और R2 की टर्म में जब हम पोटेंशियल एनर्जी को प्लॉट करेंगे तो जो हमारा प्लॉट आएगा वो होगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी सरफेस। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब यहाँ पर हम यहाँ पे हमारे पास थीटा तो फिक्स हो गया, R1 और R2 दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, उसके बाद अब आपकी रिएक्शन क्या है, रिएक्शन कुछ इस टाइप से है, ए प्लस बी सी गिव्स ए बी प्लस सी। ठीक है, इसी टाइप से है ना कुछ रिएक्शन। तो ये आपकी यहां पे बी सी है और यहां पे ए बी है। ठीक है, हमने सभी ने स्पेक्ट्रो पढ़ी है ना, स्पेक्ट्रो पढ़ी है, स्पेक्ट्रो में मोर्स पोटेंशियल कर्व पढ़ा होगा, क्या मोर्स पोटेंशियल कर्व। मोर्स पोटेंशियल कर्व से अब हम क्या देखेंगे, मोर्स पोटेंशियल कर्व से हम देखेंगे कि जो ये BC है और जो ये AB है ये सबसे ज्यादा स्टेबल कब है। ठीक है, R1 और R2 के किस वैल्यू पे ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, और मैं उसको R1 R2 ना बोल के या तो R1 R2 बोल दो। ठीक है, या तो इसको R1 R2 इसको मैं, या फिर और क्या बोल सकता हूँ, R1 को मैं R of BC भी बोल सकता हूँ, R of BC। ठीक है, जो BC का R है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, वो आपका R1 है, और R2 क्या है, R of AB। ठीक है, R of AB, क्योंकि A और B का ही बॉन्ड बनेगा ना, C तो आपका अलग हो जाएगा रिएक्शन में, A और B का ही बॉन्ड बनेगा, तो R2 को मैं R of AB भी बोल सकता हूं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम मोर पोटेंशियल कर्व से देखते हैं कि जो ये आपका BC और आपका AB है ये आपका सबसे ज्यादा स्टेबल कर्व है। तो यहां पे क्या होता था, यहां पे आपकी क्या है एनर्जी, और यहां पे है R of BC। ठीक है, एनर्जी और R of BC, और यहां पे भी है एनर्जी और ये है R of AB। ठीक है, तो यहां से हमें पता है हमारा मोर्स पोटेंशियल किस टाइप से आता है, ये कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, और ये भी कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, इसी टाइप से आते हैं ना मोर्स पोटेंशियल कर्व। यहां पे ये क्या है, यहां पे आपका ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, यहां पे आपका आ जाएगा ए बी, ए बी आएगा, सॉरी बी सी है ना, ये तो ये है आपका बी सी, यहां पे आपका बी सी। ठीक है, और यहां पे क्या मिलेगा, यहां पे मिलेगा बी प्लस सी, क्योंकि यहां पे डिसोसिएट हो जाता है ना, डिसोसिएट होता है तो यहां पे आपको मिलता है बी प्लस सी। ऐसे यहां पे क्या मिलेगा, यहां पे आपको मिलेगा ए बी, और यहां क्या मिलेगा ए प्लस बी। ठीक है, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि पहले ए ए और बी आपके दूर दूर थे। ठीक है, दूर दूर थे, जैसे ही पास आए, पास थोड़े थोड़े पास आने लगे, जैसे ही पास आते हैं तो पहले आपकी अट्रैक्शन डोमिनेट करती है, अट्रैक्शन डोमिनेट हो रही थी तो अब आपकी अट्रैक्शन से एनर्जी डिक्रीज हो रही थी। ठीक है, अट्रैक्शन से एनर्जी डिक्रीज हो रही थी, एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी एनर्जी बिल्कुल सबसे कम जितना जा सकती थी उतनी गई। उसके बाद अगर उनको और पास लाते हैं तब रिपल्सन डोमिनेट करती है ना, तब अगर इनको और पास लाने लगे तब रिपल्सन डोमिनेट करना शुरू हुई, और एनर्जी रिपल्सन से एनर्जी इंक्रीज होती है तो आपकी एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हुई। ठीक है, मेरे ख्याल से इन दोनों ग्राफ में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मोर्स पोटेंशियल कर्व सभी ने पढ़े हैं ना, यहाँ भी आप ऐसे देख सकते हो कि B प्लस सी थे, पहले बहुत दूर दूर थे, यहाँ B था यहाँ C था, ऐसे थोड़ा थोड़ा पास लेके आए तो इनमें अट्रैक्शन होना शुरू होगी, अट्रैक्शन होना शुरू होगी तो इनकी एनर्जी डिक्रीज होना शुरू होगी। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, मान लो ये वाला वो पर्टिकुलर डिस्टेंस था, यहाँ पे इनकी एनर्जी मिनिमम होगी, उसके बाद इनको और पास लाएंगे तब इनमें रिपल्सन डोमिनेट होगी, रिपल्सन डोमिनेट होगी तो इनकी एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एक एनर्जी का आर बी सी के साथ, ये आ गया एनर्जी का आर ए बी के साथ, क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को मिला देता हूं आपस में, मिलाऊंगा कैसे इन दोनों को मैं,
ठीक है, मैं इनको ऐसे मिलाता हूं, इसको मैं उल्टा कर देता हूं, इसको मैंने फ्लिप कर दिया, ठीक है, फ्लिप करके ये कुछ इस टाइप का हो गया, ये कुछ इस टाइप का। अब इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को जैसे ही मिलाएंगे हमें कुछ इस टाइप का मिलेगा। क्यों? देखो ये आपका एनर्जी है, ये एनर्जी है, यहाँ पे आर ऑफ ए बी, ये आर ऑफ ए बी, ठीक है, ये आपका प्लॉट कुछ इस टाइप से जा रहा है, ये आपका प्लॉट कुछ इस टाइप से जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ एनर्जी है, यहाँ एनर्जी है, ठीक है, ये आपका आर ऑफ बी सी, ये आपका आर ऑफ बी सी बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका पोटेंशियल कर्व इस टाइप से है, तो ये आपका ये रहा, ये आपका पोटेंशियल कर्व इस टाइप से आ गया, ठीक है, तो ये आ गया। मैंने इन दोनों को मिला के बस ये बना दिया, ठीक है, इन दोनों को मिला के मैंने ये बना दिया। अब ये बना कैसे, ये हमारा ऐसे बनेगा, मैंने मान लिया कि जो मेरा आर ऑफ बी सी है या जो फिर आर वन है उसको मैंने एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया, ठीक है, आर ऑफ ए बी को मैंने वाई एक्सिस पे ड्रॉ किया और पोटेंशियल एनर्जी को मैंने जेड एक्सिस पे ड्रॉ किया, ठीक है। तो यहां से हमारा ये क्या आ गया, ये तो जो ऊपर है, ऊपर वाली साइड ये हमारी आ गई जेड एक्सिस, ऊपर वाली साइड ये हमारी आ गई जेड एक्सिस, ठीक है। उसके बाद आर ऑफ बी सी, आर ऑफ बी सी क्या दे रहा है, ये वाला पॉइंट दे रहा है, यानी कि ये, या तो इसको जैसे ये बॉक्स है ना, अगर ये साइड ऐसे है बॉक्स, ये आपका बॉक्स है, अगर ये साइड सीधी है तो ये साइड भी तो सीधी होगी, ये आर ऑफ बी सी दिखा रहा है, तो यहां से ये भी तो आर ऑफ बी सी दिखाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर ये आर ऑफ ए बी दिखा रहा है तो पीछे से जो स्ट्रेट लाइन आ रही है ये आपका क्या दिखाएगा, आर ऑफ ए बी, ठीक है, यहां पे मैंने लिखा भी हुआ आर ऑफ ए बी आर ऑफ बी सी, ठीक है। तो ये कौन सी है, आर ऑफ ए बी वाली आपकी हो जाएगी, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी है एक्स एक्सिस। अब मैंने ये लिया, आपको जरूरी नहीं है आप इसको एक्स एक्सिस भी ले सकते हो, इसको वाई एक्सिस भी ले सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं हमारा ये डायग्राम, अब ये आई क्या चीज है, सर पता नहीं क्या ही आ गया, तो कुछ नहीं आया, ये बस 3D में रिप्रेजेंटेशन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अब आपका किया क्या दिखा रहा है, ये आर ऑफ ए बी दिखा रहा है, रेडियस ऑफ ए बी मैंने आपको बताया, ये अभी ठीक है, ये आपको क्या दिखा रहा है, रेडियस ऑफ ए बी, ये आपको दिखा रहा है रेडियस ऑफ बी सी, ठीक है। और ये आपकी एनर्जी क्या दिखा रही है, जेड एक्सिस, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी दिखा रही है, यानी तीनों एक्सिस पे हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये है इस टाइप से, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, अगर इसको हम ड्रॉ करेंगे तो यहां से हमें एक पूरा एक 3D में दिखेगा ना, तो ये वही 3D है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, यहां पे ए प्लस बी सी आया, ये क्या है आपका ए प्लस बी सी, आपकी रिएक्शन क्या थी, ए प्लस बी सी gives ए बी प्लस सी, ठीक है, यानी ए प्लस बी सी क्या है, ये आपके यहां रिएक्टेंट, यहां पे आपके रिएक्टेंट है, और सी प्लस ए बी, सी प्लस ए बी ये रहा, यानी कि ये आपके क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है, यानी कि यहां पे आपके रिएक्टेंट थे, यहां पे आपके प्रोडक्ट है, वो आपके यहां से होके गए हैं। अब हमने एनर्जी डायग्राम देखा था एक, जो हम काइनेटिक्स में पढ़ते भी हैं, हमारा कुछ इस टाइप से आता है, यहाँ पे हमारे रिएक्टेंट होते हैं, यहाँ प्रोडक्ट होते हैं, और जहां से वो हम लेके जाते हैं वो आपकी क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। अब यहाँ भी आपका कुछ ऐसा ही हो रहा है, यहाँ पे आपके क्या हो रहा है, यहाँ पे लेके जा रहे हैं, तो ये यहाँ पे आपके क्या शो कर रहा है, यहाँ पे आपकी आ रही है ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। अब एक और चीज देखो, यहां पे R ऑफ बी सी और उस साइड जा रहे हैं हम, उस साइड अगर हम यहां से यहां जा रहे हैं, तो ये चीज देखो, यहां पे आपका जब ये इस साइड आ रहा था, ये आपका जो डायग्राम था ये रहा, जब ये यहां पे ए बी, ए बी अलग अलग आ रहा है, यानी R ऑफ ए बी क्या हो रहा है, R ऑफ ए बी जब हम इस साइड जा रहे हैं तो वो इंक्रीज कर रहे हैं,
ठीक है, आर ऑफ ए भी जब हम इस साइड जा रहे हैं इंक्रीज कर रहा है, और जहां पर रिपल्सन डोमिनेट कर रही है तो यहां पे वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि जैसे ही आर ऑफ ए बी को हम ज्यादा पास लाएंगे तभी तो रिपल्सन आएगी ना, तो वही चीज आपको यहां पे दिखा रहा है, वही चीज आपका यहां पे दिखा रहा है कैसे, अब जो यहां पे ये क्या शो कर रहा है, ये आपका आर ऑफ ए बी शो कर रहा है, आर ऑफ ए बी यानी ये चीज। अब इसको पोटेंशियल एनर्जी कर्व से देखो, पोटेंशियल एनर्जी कर्व में ये ऊपर एनर्जी इंक्रीज कब होती है, जब आर ऑफ ए बी डिक्रीज होता है, यानी जब हम इस साइड जा रहे हैं तो आर ऑफ ए बी क्या हो रहा है, आर ऑफ ए बी आपका डिक्रीज हो रहा है, आर ऑफ ए बी आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। आर ऑफ ए बी डिक्रीज होने का मतलब क्या, ए और बी एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं, ए अलग था, ए अलग था, बी और सी अलग थे, ए और बी का डिस्टेंस कम हो रहा है, यानी कि ए बी के पास जा रहा है, ए बी के पास जा रहा है रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आर ऑफ बी सी ये शो कर रही है, यानी कि ये वर्ड लाइन ये दिखा रही है आपकी आर ऑफ बी सी। अब यहां से यहां इस साइड जाते हुए आपकी ये क्या कर रहा है, यहां के डिसोसिएट होता था, ठीक है, पीछे जाएंगे तो इसकी एनर्जी बढ़ रही है, यानी पीछे जा रहे तो एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है, यानी कि आर ऑफ बी सी कम हो रहा है। लेकिन अगर हम इस साइड आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या कर रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। डिसोसिएट कब होता था, जब वो बहुत दूर चला जाए, यानी कि अगर हम इस साइड आ रहे हैं तो आर ऑफ बी सी हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो यानी कि इस साइड आने से आर ऑफ बी सी हमारा इंक्रीज कर रहा है, यानी बी सी इंक्रीज कर रहा है, यानी यहां से क्या हो रहा है, जो ये बी और सी थे ना, हाँ, इस साइड आने से बी और सी इंक्रीज कर रहा है, यानी बी और सी एक दूसरे के दूर दूर जा रहे हैं, प्रोडक्ट में आप देख भी सकते हो, बी और सी एक दूसरे के दूर दूर जा रहे हैं, ठीक है। रिएक्टेंट में आपका क्या हो रहा है, ए और बी पास आ रहे हैं ताकि उनकी रिएक्शन हो सके, और प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, बी और सी दूर दूर जा रहे हैं, समझ में आई बात। अगर मैं यहां से इसके ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करूं, ट्रांजिशन स्टेट इसकी कुछ इसी टाइप से आएगी ना, ये आपका था ए प्लस बी सी, ठीक है, इस टाइप से था। अगर मैं इसकी ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करूं तो ए आपका इसके पास आना शुरू होगा और बी इससे क्या होगा, दूर जाना शुरू होगा, तो यही तो ट्रांजिशन स्टेट आएगी, ए इसके पास आना शुरू होगा और सी क्या होगा, सी इससे दूर जाना शुरू होगा, ट्रांजिशन स्टेट पे ये होगा ना, तो यही तो आपका दिखा रहा है कि यहां पे जब हम यहां से यहां जा रहे हैं ना, तो यहां से यहां जाने पे ए और बी आपके पास पास आ रहे हैं, ए आपका बी पे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। और जब हम यहां पे आए हैं तो यहां से अगर हम आगे जा रहे हैं, आगे जाने पर क्या हो रहा है, आगे जाने पर हमारा बी और सी दूर दूर जा रहे हैं, ठीक है, बी आपका सी से कट रहा है, दूर दूर जा रहा है, ठीक है, उनका बोन टूट रहा है, ये आपका यही चीज दिखा रहा है, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, यहां पे आपके ये कुछ इस टाइप से आएगा, ए बी सी, ठीक है, ये आपके ट्रांजिशन स्टेट पे ये कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। इतना समझ में आया कि ये हमने एनर्जी का डायग्राम ये कैसे मिलाए हैं, ठीक है, और ये आर ए बी आर बी सी आपका किस टाइप से क्या बता रहा है, ठीक है, बता दिया ये। अब उसके बाद देखो, अब यहां पे जो ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन क्या शो कर रहा है, ये वाला रीजन आपका शो कर रहा है, अब जब हम यहां पे आए थे इस रीजन पे तो ए और बी अलग अलग हो चुके थे, ठीक है, यहां भी अगर हम आए थे तो बी और सी अलग अलग हो चुके थे, ठीक है, यानी कि ए बी सी तीनों एटम अलग अलग हो गए, ठीक है, तो ये रीजन आपका यही आया ना, ये रीजन आपको वही आया, यानी यहां पे क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए बी सी तीनों आपके अलग अलग हो जाएंगे, तो और उनकी ये आपको एनर्जी शो कर रहा है, ये जो आपकी यहां से यहां तक जो ये एनर्जी दिखा रहा है, ये आपकी ए बी सी तीनों एटम अगर अलग अलग हो जाए ना, तो उनकी एनर्जी आपका ये रीजन शो कर रहा है, ठीक है, इस रीजन में ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे, ये तीनों आपके अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये तो था आपका इतना पार्ट, इस चीज को एक बार अगर आप देखना चाहते हो तो देख लो, तो उसके बाद हम दूसरी फिगर पे मूव करते हैं, ठीक है, देख लिया भाई, अब चलते हैं हम सेकंड फिगर पे। अब अगर मैं क्या करूं, मैं इसको यहां से पकड़ूं, अगर मैं इसको इस पॉइंट से पकड़ूं, इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से पकड़ के ऐसे खींच लूं अपनी तरफ,
मैंने इसको क्या किया, इस पॉइंट से पकड़ के इसको अपनी तरफ ऐसे खींच लिया, तो मेरे को ये कुछ इस टाइप से दिखाई देगा, यानी कि इस वाले पॉइंट को मैंने ऊपर आगे खींच लिया अपनी तरफ, तो ये वाला पॉइंट नीचे चला जाएगा। आपके पास एक बॉक्स है या फिर इसको अगर आप यहां से खींचोगे तो ये आपका कुछ ऐसे दिखेगा ना, तो वही चीज है, ये पहले ऐसे रखा था, मैंने इसको यहां से उठा के खींच दिया तो अब मेरे को ये ऐसे दिखेगा, तो वही चीज है, तो अब ये कुछ इस टाइप से दिखेगा, ठीक है, इस टाइप से दिखेगा। चलो इसको देखते हैं अब कि क्या बता रहा है ये, ठीक है, ये आपका क्या बता रहा है। अब ये आपका क्या था, ये आपका मोर्स पोटेंशियल कर्व था जो ड्रॉ किया था, किसके लिए, बीसी के लिए, ठीक है, और ये आपका मोर्स पोटेंशियल कर्व था जो हमने एबी के लिए ड्रॉ किया था, ये वाला, ठीक है। अब यहां पे यहां क्या थी, मिनिमम एनर्जी थी, ठीक है, और बीसी आपके ए प्लस बीसी आपके रिएक्टेंट है, तो मैं इसको आर बोल देता हूं, समझ गए। और उसके बाद यहां पे आपके क्या थे, प्रोडक्ट की मिनिमम यानी ए बी मिनिमम एनर्जी पे था, ए बी मिनिमम एनर्जी पे यानी मोस्ट स्टेबल था यहां पे, तो यहां मैं इसको ए बी आपका प्रोडक्ट में आया तो मैं इसको पी बोल देता हूं, ठीक है। तो मिनिमम एनर्जी आर और पी की ये आ गई, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिनिमम एनर्जी आपकी ये आ गई कुछ, ठीक है। ये आपकी क्या बता रही है, यहां पे ये लाइंस क्या बता रही है, ये लाइंस आपकी अलग अलग पाथ बता रही है कि अगर आपकी ये एनर्जी हो रिएक्टेंट की, ठीक है, और प्रोडक्ट की ये एनर्जी हो, तो वो आपकी इस पाथ से जाएगा, ठीक है। अगर आपकी रिएक्टेंट की मान लो ये एनर्जी हो और प्रोडक्ट की हो ये एनर्जी, तो वो आपका इस पाथ से जाएगा, तब आपका ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी क्या होगी, ये होगी, ठीक है। तो वही चीज यहां पे, यहां आपको ये ब्लू लाइन दिख रही है ना, ब्लू लाइन शो हो रही है ना, ये वाली लाइन, ये, ठीक है, ये ब्लू लाइन आपको सभी को शो हो रही है। तो ये ब्लू लाइन क्या दिखा रही है, ये ब्लू लाइन आपको दिखा रही है उस रिएक्शन का पाथ, ठीक है, रिएक्शन का पाथ कि जब आपकी एनर्जी मिनिमम हो रिएक्टर प्रोडक्ट। हमें क्या करना था, एनर्जेटिकली फेवरेबल बनाना था ना, एनर्जेटिकली फेवरेबल होने के लिए इसकी हमें मिनिमम एनर्जी करनी थी, मिनिमम एनर्जी रिएक्टेंट की हमने देखा था मोस्ट पोटेंशियल कर्व से ये थी, जो प्रोडक्ट था प्रोडक्ट की आपकी ये थी, ठीक है, तो वो आपका इस रिएक्शन पाथ के थ्रू गया होगा ना, ठीक है, इन दोनों अगर हम ज्वाइन करेंगे तो वो इसी के थ्रू गया होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्या बताता है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट आपको वो पाथ देता है कि वो आपकी वो पाथ जिससे आपकी रिएक्शन हुई है और उसकी एनर्जी उस टाइम क्या थी, मिनिमम थी, ठीक है, मिनिमम एनर्जी पाथ देता है आपको, जो मिनिमम एनर्जी पाथ होता है वो होता है आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। और इस रिएक्शन कोऑर्डिनेट में जो हाईएस्ट एनर्जी वाला पॉइंट होता है, इस रिएक्शन कोऑर्डिनेट में जो हाईएस्ट एनर्जी वाला पॉइंट होता है, वहां पे आपकी क्या होती है, वो होती है आपकी ट्रांजिशन स्टेट, ऐसे दिखा देते हैं ना, तो ये आपकी क्या होती है यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट, ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी होती है, ये आपकी क्या होती है ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी होती है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्या है, एक पाथ है मिनिमम एनर्जी की जिसके थ्रू आपकी रिएक्शन हुई है, ठीक है, उस पाथ पे जो हाईएस्ट एनर्जी है ना वो आपकी एनर्जी है किसकी, ट्रांजिशन स्टेट की। हमने देखा भी था कि जो हमारी ये पाथ होती है तो हाईएस्ट एनर्जी आपकी ट्रांजिशन स्टेट की होती है, तो वही चीज ये दिखा रहे हैं, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और जो इस जो ये पॉइंट होता है इसी को हम बोलते हैं सीडल पॉइंट, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है सीडल पॉइंट, समझ में आएगी। जो ये पॉइंट होता है ये आपका जो रिएक्शन कोऑर्डिनेट पे जो आपका हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं सीडल पॉइंट, ठीक है। तो सीडल पॉइंट के एनर्जी क्या होती है, हाईएस्ट होती है रिएक्शन कोऑर्डिनेट पे, ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन देखें ना, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या दिखा रही थी, एनर्जी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसकी एनर्जी क्या है, मिनिमम।
तो आपको घुमा के भी पूछा जा सकता है कि बताओ जो आपका सीडल पॉइंट होता है ना उसकी एनर्जी क्या होती है रिएक्शन कोऑर्डिनेट पे, रिएक्शन कोऑर्डिनेट पे इसकी एनर्जी क्या होगी मिनिमम, ठीक है। लेकिन रिएक्शन कोऑर्डिनेट से अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन देखे, रिएक्शन कोऑर्डिनेट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी कि जेड एक्सिस, ठीक है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी कि जेड एक्सिस, जेड एक्सिस में हमें पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉ की है, तो वहां पे अगर देखे तो ऊपर जा रहे हैं, ऊपर तो आपके क्या हो रही है एनर्जी इंक्रीज ही हो रही है, तो उसमें अगर देखे तो उसमें इसकी एनर्जी होती है, सॉरी यहां पे मैंने मिनिमम बोल दिया ना, ये था मैक्सिमम, कि रिएक्शन कोऑर्डिनेट पे मैक्सिमम एनर्जी आपकी होती है सीडल पॉइंट की, लेकिन जेड एक्सिस उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम देखें तो जेड एक्सिस के अलोंग इसकी एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी होगी मिनिमम, ठीक है, वहां पे उसकी एनर्जी होती है मिनिमम। तो ये था आपका सीडल पॉइंट, ठीक है। अब इसमें कोई और चीज, हाँ, अब जैसे हमने थीटा को फिक्स कर दिया था, थीटा को हमने क्या किया था फिक्स कर दिया था 0 डिग्री और 180 डिग्री, अगर हम क्या करेंगे इसको चेंज करेंगे ना तो ये आपका सारा ग्राफ ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि अगर हम थीटा और 180 डिग्री थीटा को अगर हम चेंज करेंगे तो हमारे सीडल कोऑर्डिनेट, सीडल पॉइंट और सारा ग्राफ ही हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। बात इतनी बात समझ में आई, चलो अब हम इसको, ये थी हमारी 3D रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये हुई हमारी 3D रिप्रेजेंटेशन, इसको 2D में भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर इसको हम 2D में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारा कुछ इस टाइप से दिखेगा, ठीक है, आई होप दिख रहा होगा सभी को, ये हमारा कुछ इस टाइप से दिखेगा, और ये आपके क्या दे रखे है, ये हमें मोर्स पोटेंशियल कर्व दे रखे है, ठीक है। तो कर्व इसमें आपको पॉइंट दे भी रखे है कि जब ए पॉइंट था, ए पॉइंट पे क्या हुआ था, ए पॉइंट पे बी और सी बिल्कुल अलग हो गए थे, ए पॉइंट पे ये था बी प्लस सी, ठीक है, तो ए पॉइंट पे ये था बी प्लस सी, ये आपका ए पॉइंट और ये आ गया बी प्लस सी, ठीक है, ये पॉइंट आपका आ गया ए और ये आ गया बी प्लस सी, ठीक है। उसके बाद यहां से जैसे ही अट्रैक्शन डोमिनेट हुई, सी पॉइंट पे ये आर बी सी बन गया, ठीक है, सी पॉइंट पे बी सी बन गया, ये रहा आपका सी पॉइंट और यहां आ गया आपका बी सी, जो आपका रिएक्टेंट था ए प्लस बी सी, रिएक्टेंट ए प्लस बी सी के फॉर्म में था ना, तो ए प्लस बी सी आपका सी पे रिएक्टेंट था, और अगर उसको थोड़ा और बढ़ाए तो ए मतलब थोड़ा और कम करे आर ऑफ बी सी को, तो ए डैश पॉइंट पे यहाँ पे क्या होती है रिपल्सन डोमिनेट होती है, तो ए डैश पे आपकी मैक्सिमम एनर्जी, तो ये आ गया आपका ए डैश पॉइंट मैक्सिमम एनर्जी। तो यहां से अगर हम ऊपर जाते हुए देखे, ये आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा, ये शायद दिखेंगे ही नहीं आपको, तो यहां से अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वो ए टू ए डैश जा रहा है, यानी कि ए टू ए डैश जा रहा है, ए टू ए डैश आपका यहां से क्या हो रहा है, यहां से हम पास लेके आ रहे हैं, यानी कि आर ऑफ बी सी डिक्रीज कर रहा है, तो ऊपर जा रहे हैं तो आर ऑफ बी सी डिक्रीज कर रहा है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहां देखें, बी पॉइंट पे था तो यहां पे ये ए प्लस बी के फॉर्म में था, ठीक है, डी पॉइंट पे ये ए बी बना, और B डैश पे क्या हुआ, B डैश पे इसकी एनर्जी क्या होगी मैक्सिमम होगी, अब यहाँ पे ये B पॉइंट पे ये था आपका A प्लस बी, ये रहा, ठीक है, D पॉइंट पे क्या हुआ ए बी बना, ये रहा आपका ए बी, ठीक है, और B डैश पे क्या हुआ, B डैश पे उसकी एनर्जी होगी मैक्सिमम, B डैश पे एनर्जी होगी मैक्सिमम, तो यहां से अगर B टू B डैश जाए तो R ऑफ A भी डिक्रीज कर रहा है, यानी कि अगर हम B टू B डैश जाए तो R ऑफ A भी है जो आपका वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, यानी कि इस डायरेक्शन में ये आर ऑफ ए भी डिक्रीज कर रहा है। तो हमेशा ऐसा मत सोचा करो कि ग्राफ ऐसे ही ड्रॉ किया जाता है, यहाँ पे जीरो और यहाँ से जाएगा तो वो बढ़ेगा, जीरो यहाँ से जाएगा तो बढ़ेगा, ठीक है, जिस हिसाब से ग्राफ आपको ड्रॉ कर रखा है, जिस हिसाब से पॉइंट दे रखे हैं, तो उस हिसाब से ग्राफ को समझो। अब यहाँ पे आपका क्या हो गया, आर ऑफ ए बी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यहाँ पे स्टेबल है, रिएक्टेंट यहाँ पे स्टेबल है, तो ये जो डैश डैश वाली लाइन दिखा रखी है, ये डैश डैश वाली लाइन आपको क्या दिखा रही है, ये डैश डैश वाली लाइन आपको दिखा रही है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, तो ये क्या दिखा रही है, ये है आपकी रिएक्शन कोऑर्डिनेट,
ठीक है, और जो ये हैज दिया हुआ हैज यहाँ पे, यानी कि यह आपका है सेडल पॉइंट, जहां पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट पे आपकी ट्रांजिशन स्टेट लाई कर रही है वो है आपका सेडल पॉइंट। ये आपका ग्राफ से 2D से भी हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका पोटेंशियल एनर्जी सरफेस और सेडल पॉइंट। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूँगा। ओके, बाय, हैप्पी लर्निंग।